हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट से हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेल, आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग न्यूज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट क्रिएटर है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियोस दूं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग इस रिएक्शन वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो काफ़ी दिन से एक शिकायत कुछ सब्सक्राइबर्स के दिल में आ रही थी, वो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए देखने को मिल रही थी, जहाँ पर आपको लखनीत फैमिली के ऑलमोस्ट सभी रिश्ते एक साथ होते हुए नज़र आए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आए हैं, एक दूसरे के व्लॉग में नजर आए हैं। वहीं पे कुछ लोगों की नजर नीतू पे जाके अटक गई थी, या ये बोलिए उनकी सुई नीतू पे जाके अटक गई थी कि नीतू कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं या उनके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो विला नहीं जाना चाहती हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। तो उन सारी बातों का भी आई थिंक अब जवाब मिल गया होगा। मैं बोलती हूँ ना कि जब इंसान जवाब नहीं देता तो वक्त उन सारी बातों का जवाब दे देता है, और मैंने बोला भी था कि कुछ चीज़ें हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, वक्त उन चीज़ों का बेस्ट आंसर हमें करता है और जल्दबाजी किसी चीज़ की करनी नहीं चाहिए। तो आंटी के नी में पेन हुआ, आप जानते हैं कि अंकल ट्रैवल पे निकले हुए थे और यही रीज़न था कि कीर्ति के वेन्यू के लिए नीतू और लखन साथ में गए थे, क्योंकि अंकल ट्रैवल पे थे और आंटी के नी में वापस से वो पेन उठा है और उस समय पे अंकल वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और वहाँ पे भी कुछ लोगों ने ये सवाल खड़ा किया था कि देखो फाइनल करने के लिए अगेन नीतू और लखन को ही लेके गई, लेकिन सिचुएशन क्या थी उसमें, जो कुछ लोग हैं ना वो किसी सिचुएशन से रिलेट नहीं करना चाहते, या ये बोलिए सिचुएशन को नोटिस भी नहीं करना चाहते कि आखिर में किन सिचुएशन और किन सर्कमस्टांसिस में नीतू और लखन वेन्यू को फाइनल करने के लिए कीर्ति के साथ गए थे। अगर अंकल अवेलेबल होते तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ही जाती, लेकिन अंकल की अवेलेबिलिटी नहीं थी और डेस्टिनेशन कोई पास नहीं है, आराम से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पे अगर नीतू और लखन ने जाके बहन के साथ सपोर्ट किया और फैमिली के लिए अपना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया, क्योंकि उसके बाद वो अपने खुद के ट्रैवल प्लान्स में चले गए हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा उनके खुद के ट्रैवल प्लान्स हैं। तो वहाँ पे आंटी को भी हॉस्पिटल लेके गए थे लखन, और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल में आंटी को MRI वगैरह करवाया, उनका चेकअप वगैरह कराया और वहाँ पे नीतू भी पहुँच गई थी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा था ना कि नीतू शायद बात नहीं करना चाहती या पैर नहीं छू रही है या नमस्ते नहीं कर रही है, मतलब 1-2-3 सेकंड की वीडियो को देख के लोगों ने ये जज कर लिया था लास्ट टाइम, जब नीतू पीछे सोफे में बैठी थी और अंकल और आंटी जो है वो घर पे आए थे, फ्लैट पे आए थे, जिस दिन कीर्ति को वापस लेने के लिए आए थे, तो सब ने ये एज्यूम कर लिया कि पीछे बैठी है, दैट मीन्स कि इन्होंने ना नमस्ते करी होगी ना इन्होंने पैर छुए होंगे। तो मैंने पहले भी बोला था कि जस्ट किसी को 15-20 मिनट के व्लॉग के बेस पे एकदम से जज क्या कीजिए। तो यस, नीतू हॉस्पिटल में भी आंटी को पूछने के लिए गई थी, लेकिन उस समय आंटी MRI रूम में थी और वो डायरेक्ट दिल्ली से पहुंची थी आंटी को देखने के लिए। उसके बाद नीतू हमें विला में भी नज़र आई, विला में भी वो थी, इसका मतलब है कि वो विला में आ जा रही है, वो अलग बात है, हो सकता है वो कैमरे पर अपनी वीडियो नहीं ले रही हो या शूट नहीं कर रहे हो उस टाइम को, लेकिन वो विला आ रही है, जा रही है, आंटी से बात भी कर रही है, परिवार के हर इंसान से बात कर रही है। वहीं पे छोटी बहू का भी अभी एक व्लॉग मैंने देखा, हालांकि वो व्लॉगिंग अब बहुत कम कर रही हैं, व्लॉगिंग कम करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा फोकस्ड अपने बिजनेस को लेके हैं, इसीलिए वो व्लॉगिंग में ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात अपनी वीडियो में बोली कि अब हमारी फैमिली के बीच में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। उस प्रैंक वीडियो को उन्होंने डिस्कस किया और प्रैंक वीडियो को डिस्कस करने के साथ साथ उन्होंने वहाँ से छोटे भाई को भी याद किया और ये भी बोला कि यही चाहता था, छोटे भैया भी पिछले 5-6 महीने से इसी चीज़ के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे कि सारी फैमिली एक साथ बैठे, एक साथ बात करें और प्रॉब्लम सॉल्व हो और सबके सब एक साथ हो जाएं, गिले शिकवे दूर हो जाएं। आज गिले शिकवे हम लोगों के बीच में दूर हो गए हैं, लेकिन इस समय पे छोटे भैया यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि पिछले 5-6 महीने से इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे परिवार को एक करने के लिए। पर फिलहाल हमारा परिवार एक है और आगे आने वाले टाइम पर हम लोग बहुत अच्छे से शादी इन्जॉय करेंगे,
करेंगे। वहीं पे अगर बात करें कीर्ति की, तो कीर्ति का व्लॉग ट्रेंड पे गया है। खैर ये कोई नई बात नहीं है कि कीर्ति का व्लॉग ट्रेंड पे जाना, आज तक उन्होंने जितने भी व्लॉग डाले हैं उनके सारे के सारे व्लॉग ट्रेंड पे गए हैं। लेकिन इस बार का ट्रेंड बहुत ही स्पेशल ट्रेंड है, क्योंकि पूरी फैमिली में पहली बार किसी का व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया है। जी हाँ, इसकी खुशी अंकल ने भी जताई है, वो इस समय शायद घर पे मौजूद नहीं है। वो जहाँ भी उन्होंने वहाँ से एक वीडियो शूट किया है जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी को कॉन्ग्रेट्स कहा है और साथ साथ ये कहा है कि हमारे परिवार में पहली बार किसी का वीडियो, पहली बार किसी का व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे गया है और अपनी बेटी को ढेर सारी बधाइयाँ दी हैं। साथ ही साथ सबको ये भी बोला है कि मेरी प्यारी बेटी को प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। वहीं पे कीर्ति के ट्रेंडिंग नंबर 1 की खुशी पूनम ने भी बनाई है, यानी कि नीतू बिस्ट की बहन पूनम बिस्ट, उन्होंने भी स्टोरी पोस्ट के ज़रिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस करा कीर्ति को। लखन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला है, नीतू बिस्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाला है, जितने भी नियर डियर फैन पेजेस हैं सब ने कीर्ति को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि उनका व्लॉग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया। फिलहाल उनके व्लॉग की बात ही कुछ और होती, क्योंकि उनका जो व्लॉग होता है ना वो बहुत नेचुरल होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। और जिस तरीके से वो बात करती है ना, ऑडियंस उनके बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और जितनी भी जर्नी आज तक उनकी देखी है, वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल और इतनी बेहतरीन दिखाई गई है कि हर किसी को उनसे प्यार है और हर किसी को उनसे एक अलग कनेक्शन फील होता है। वहीं पे अपनी शादी की कुछ चीज़ों को लेकर उन्होंने ऑडियंस से भी बोला है कि जो सारांश है वो चाहते हैं कि हर फंक्शन अलग अलग तरीके से हो और काफ़ी लंबे फंक्शन जाएँ, ताकि हम हर एक फंक्शन को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, चाहे वो मेहंदी नाइट हो चाहे वो सूफ़ी नाइट हो। वहीं पे कीर्ति ने बोला कि आप लोग बताइए कि क्या हम लोग इस तरीके से अरेंज करें कि आप लोग हर एक फंक्शन देखना चाहते हैं, या फिर हम लोग एक दो दिन की एंगेजमेंट और शादी का सीधा सीधा ये वाला पैटर्न फॉलो करें। अब देखते हैं कि इसमें से कौन से पैटर्न फॉलो करते हैं। वैसे ऑडियंस की मैक्सिमम डिमांड कमेंट सेक्शन के द्वारा यही है कि वो हर एक फंक्शन को, हर एक मूवमेंट को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हर एक मूवमेंट को स्पेशल बनाओ और उसको सेलिब्रेट करो। तो ये था पूरा एक वीडियो जो कि फैमिली के हर एक सदस्य ने दिया। फिलहाल अभी आंटी के नी में पेन चल रहा है और उसका ट्रीटमेंट वो करवा रही हैं वापस से, और ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत भी है और साथ साथ उन्हें रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आ जाएगी वैसे वैसे उनका काम और उनके बर्डन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो जो भी तकलीफ़ है वो पहले ही सॉर्ट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, वरना बाद में सिर्फ भाग दौड़ ही है और उसमें फिर और एग्जॉस्ट होने के चांसेस होते हैं कि और ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। फिलहाल पूरे की पूरी फैमिली व्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है, सब लोग इस चीज़ से कनेक्ट भी कर रहे हैं, सबको पॉजिटिव रहने की ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि बस अब कुछ भी ना हो, जो कुछ भी हो वो अच्छा अच्छा हो। वहाँ से नीतू और लखन की एक अपनी अलग जर्नी स्टार्ट है, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए मेहनत करते हैं। अभी दो दिन पहले ही नीतू के 25 मिलियन का एक माइलस्टोन टच हुआ, जिसे सेलिब्रेट किया है उसने अपनी फैमिली के साथ, यानी कि लखन, नीतू, पूनम दीदी, उनकी टीम, क्योंकि उनकी टीम भी उनकी फैमिली है। और जाहिर सी बात है जब कोई क्रिएटर की किसी चीज़ को एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके पीछे लगने वाले, यानी कि उसके पीछे काम करने वाले हर एक बंदे का वो टीम वर्क होता है। और हमेशा से लखनीत ने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो अपनी हर चीज़ में उनका क्रेडिट कभी भी देना नहीं भूलते हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही ओकेजन हो चाहे कोई बड़ा माइलस्टोन हो, वो हमेशा अपनी टीम को प्रेज करते हैं, अपनी टीम को हमेशा अपने साथ आगे से कदम बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि आप दुनिया में आगे तब बढ़ते हो जब आपके साथ के लोग भी आपके साथ साथ आगे बढ़े। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की दौड़ में कुछ लोग अपने साथ जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हम तभी तरक्की करते हैं जब हमारे साथ के लोग भी तरक्की करते हैं और हमारा साथ का पूरा टीम तरक्की करता है। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था। उसके अलावा नीतू ने अपने 25 मिलियन का सेलिब्रेशन, आप जानते ही हैं कि वो गरीबों के पास जाती है और सर जाती है अपनी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, उन्हें जब जब वक्त लगता है या उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई छोटी मोटी खुशी होती है वो हमेशा अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए जाती है उन गरीबों के पास जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक बूढ़ी आंटी के साथ उन्होंने वहाँ पे केक कट किया। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि अपने इन लॉज के पैर नहीं छू रही है, लेकिन वो लड़की तो राह चलते किसी गरीब के आगे भी झुक जाए, उनको तक पैर छू के प्रणाम कर ले, तो आप यहीं से देख लीजिए कि उस लड़की के अंदर एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल ज़मीन
ज़मीन से और धरती से जुड़ी हुई लड़की है, जो कहीं पे भी नीचे बैठ के फ़ोटो खिंचा लेती है, जो कहीं पे भी नीचे बैठ के सबके साथ केक कटिंग कर लेती है, तो उस लड़की के अंदर एटीट्यूड नहीं है, उस लड़की के अंदर बहुत अच्छे संस्कार है, जो कि उनकी वीडियो के माध्यम से हमें रोज़ देखने को मिलता है, किसी ना किसी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, कभी गरीबों के लिए हेल्प करते हुए, कभी उनके साथ खाते हुए, कभी उनको खिलाते हुए, कभी उनके साथ प्यार बांटते हुए। यही इंसानियत भी होती है और यही एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का काम भी होता है कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करें, अच्छी चीज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस करें। अगर इसी तरीके से किसी की वीडियो देख के कुछ लोग इंस्पायर होकर ऐसे ही गरीब लोगों की मदद करेंगे, तो सोचिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया में भूखा नहीं सोएगा रात को। जितनी आबादी हमारी इंडिया में है, अगर उस आबादी में हर कोई इस तरीके से गरीबों की मदद करेगा, तो वाकई में कोई भी गरीब खाली पेट भूखा प्यासा कभी नहीं सोएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है जो हम सबको सीखना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए। तो ये था पूरा आज का वीडियो का रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग मेरे पॉइंट से कहीं ना कहीं अग्री भी होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।